उसी में तो अपन है तो उस पर क्या सुना था? ये ट्रेजेडी है आदमी की। मेरा एक दोस्त मुझको रोज फोन करता था, चौबे जी कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैं कहता हूं बोलने की क्या बात है भाई, तेरा कोर्ट तेरा, मेरा कोर्ट मेरा है। कल के दिन बोले कहता हूं मेरा बाप है, मेरा बाप है, मेरा बाप। कोई ऐसा बोले भाई दबे? चार दिन अपन सुने कि हमारा बाप है, बाद में पांचवें दिन शक हो कि क्या पता है भी कि नहीं। हिंदुस्तान महान है, उस पर कविता उस पर इतिहास लिखा जा चुका है। कविता क्या सुनना, आप तो मेरी वो सुनो जो मूर्खता भरी मेरे अनुभव हैं उनका मजा लो। आप तो स्वागत है, मूर्खता अच्छी चीज है। आइए थोड़ा सुनाता हूँ मैं आपको ऐसा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ साहब, मैं जनरल नॉलेज का कवि हूँ। माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध पिया है तो आजा बेटा। सारी जिंदगी आपने हिंदुस्तान में माँ के दूध का सुना होगा, क्या कभी आपने बाप का दूध सुना? एक सवाल है साहब ये। आप ये मत समझना कि मैं कोई हल्की बात कर रहा हूँ, मैं हल्की फुल्की बात तो कर रहा हूँ, हल्की बात नहीं कर रहा। बाप का दूध मैंने सुना एक बार, अच्छा, बल्कि देखा। अच्छा। अभी आगरा में हलवाई की दुकान पे खड़ा था, एक नौजवान आया, उसने 2 लीटर दूध पिया और दूध पीकर के बिना पेमेंट किए भाग निकला। हाँ। हलवाई पकड़ के लाया, 4 जूते दिए, क्यों बे साले मुफ्तखोर, दूध तेरे बाप का है? एक बात है कि नहीं बोलो? उस दिन पता लगा कि बाप का भी दूध होता भाई। इसलिए मेरा को बुरा मत पाना, बहुत जो होता है बैठ जाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। हाँ हाँ, दीवार बहुत सारी कविताएं हैं लेकिन समय कम है और मैं बीमार हूँ। बस ये समझो कि मेरी मूर्ति परसों यहाँ पे लग सकती है, वो तैयारी से आया हूँ। अंडे बेच खरीदने गया साहब, मैं मेरी बात सुनिए। हाँ। मैं अपने कुत्तों के लिए अंडे खरीदने गया तो मेरी क्या हालत हुई? वाह, मेरी इमेज खराब है, हास्य कवि हूँ, कोई सीरियसली लेता नहीं है। अंडे वाले से मैंने पूछा कि आपने ये अंडे कैसे दिए? आप लोग गलत समझ रहे, मैं जानता हूं। जैसे अपन पूछते हैं आलू कैसे दिए, प्याज कैसे दी, उसी लपेट में पूछा मैंने कि आपने ये अंडे कैसे दिए, तो घूर के बोला कि चौबे जी आप भाव पूछ रहे के तरीका। मैं क्या करूं साहब, अगर यहां तक तो बर्दाश्त कर लेता हूं। मेरा बेटा खराब अंडे खरीद लाया, वापस करने में गया, दुकान पे एक नौजवान बैठा था तो मैंने उससे पूछ लिया कि अंडे आपने दिए थे? हाँ। वो बोला कितने बजे की बात है? मैंने कहा अंडे भी घड़ी देख के देता है क्या? बोला नहीं। बोले कितने बजे की बात है? मैंने कहा 12 बजे की होगी। वो बोला उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे। अंडे देने वाले पिताजी मैंने पहली बार सुने, उनको देते हुए देखने की तो इच्छा ही खत्म हो गई। कोई कमाल है हिंदुस्तान, उस समय मेरे पिताजी ने दिए होंगे, 12 बजे रोज वही देते हैं। और मैंने कहा, बोले मैं तो 8 बजे देके निकल देता हूँ। मैंने कहा आप दोनों बाप बेटे के अंडे देते रहते हैं? बोले खानदानी बिजनेस से बाबा भी दिया करते थे और संडे को हमारे बच्चे भी दे दिया करते हैं। आप हमें हास्य कवि कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम तो फकीर हैं। और गालिब का शेर याद आता है कि बनाकर फकीरों का हम भेज गालिब, तमाशा है करम देखते हैं। अंत में एक छोटी सी कविता, अगर आप उसे कविता मान लें। स्वागत है। बिल्कुल नहीं साहब, ताली मत बजाना। हाँ, मैं कुमार विश्वास से 50 बार का ताली क्यों बजवाते हो? तो बोले दादा तालियों से कॉन्फिडेंस आता है। मैंने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप आती है। एक बात है भाई, लेकिन ये बात मैंने ऐसे नहीं कही साहब, आप लोग होंगे 10,000 आदमी मेरे ख्याल से यहाँ पर इस समय। अभी बरेली में प्रोग्राम हुआ था, कुमार विश्वास से पूछिए। लाओ ये क्या चिट्ठी, पर्ची आई है, बहुत अच्छी। क्या लिखा? कोई बात नहीं, जो भी लिखा। लिखा है प्रदीप चौबे हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं अपने वंशज को प्रणाम करता हूँ। बात है, बात से बात निकलती। अच्छा अच्छा ठीक है, बता लो यही कभी सम्मेलन है, और कोई बात थोड़ी है। आइए अंत में छोटी सी, एक छोटी सी। हाँ आ रही है। अरे आएगी यार, आवाज कोई है क्या? धीरे से आएगी जब बड़ी हो जाएगी। नहीं, इस कवि सम्मेलन को 2 ही चीजों से खतरा है, एक बाहर के कोलाहल से, एक अंदर के अल्कोहल से। नहीं, वाकई आवाज नहीं आ रही लोगों। धैर्य रखिए थोड़ा धैर्य। अच्छा मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, सब शांत हो जाइए। मेरे बैठने के बाद में जो मैं 2 मिनट में अपना खत्म करूंगा उसके बाद में व्यवस्था की जाएगी। संपत सरल ने कविता का आदेश दिया, मजा लीजिए। कविता क्या है? आ रही है।
सिनेमा के पोस्टर लगे हैं, कल्पना कीजिए आप एक फिल्म स्टूडियो में खड़े हुए हैं, सिनेमा के पोस्टर लगे हुए हैं, कैसे पोस्टर लगे हैं उनका मजा लीजिए। एक मिनट के बताएं, स्वागत है, पढ़िए। चार पोस्टर, बात समझ में आ जाएगी। मेरा इशारा देखिए कि हम हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। सिनेमा के पोस्टर लगे ही है। हाँ। सारी फिल्में बन चुकी हैं हिंदुस्तान में, जो लगे हैं बस वही काम है। हिंदुस्तान की कसम, हम हिंदुस्तानी, हम नहीं सुधरेंगे, हम सब चोर हैं। ब्रह्मचारी शादी के बाद, ब्रह्मचारी शादी के बाद 9-2-11, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद, आह दुल्हन वही जो पिया मन भाए 20 साल बाद गुमराह। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। झील के उस पार आन मिलो सजना, 2 गज जमीन के नीचे मैं इंतकाम लूंगा। पति पत्नी जानी दुश्मन, बाप बेटा हम आपके हैं कौन, खून का बदला खून भाई हो तो ऐसा, चोर पुलिस एक दूजे के लिए। और पोस्टर सुनिए, माथा सुनिए, पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। वाह, बेचारे हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा। पवन पुत्र हनुमान घर बसा के देखो। और अंतिम 3 पोस्टर, मैं भाग खड़ा हुआ, लिखा हुआ था गांधी एक बार चले आओ हसीना मान जाएगी। वाह,